हेलो मेरवाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जय माता दी। और ये मेरे मकान का मेन गेट है, जिसे मेरी बेटी ने डेकोरेट करने की कोशिश की है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा आशियाना है, जिसे मैंने कोशिश की हूँ कि खूबसूरत लगे, तो पिंक कलर में पिंक से लाइटिंग करवाई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और बहुत अच्छा लगता है ना दीपावली के दिन, चारों तरफ लाइट लाइट, अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा चारों तरफ अपने मकान में घूम के देख रही थी कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुद की मेहनत से कुछ अचीव करो ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और उसमें भी अपने घर का तो बस क्या कहना, आप लोग भी समझते ही होंगे, अपने घर का तो बात ही कुछ और होता है। और वो भी अपने मेहनत से बनाओ, खुद से करो, तो उसका एंजॉय ही कुछ और, मजा ही कुछ और होता है। वही मैं फील कर रही हूँ अभी। यहाँ बच्चे फटाके जला रहे हैं और मैं आ गई हूँ, पूजा की तैयारी कर में लगी हूँ। आज लक्ष्मी गणेश जी का सब पूजा करते हैं, तो मैं भी उसी में लगी हूँ। और जितना हो सका है, एक दो दिन, मतलब एक दिन तो शॉपिंग में ही चला गया, धनतेरस में गई ही थी, आप लोगों को पता ही है। और रात हो गया था धनतेरस के दिन, उस दिन भी थोड़ा शॉपिंग की, उसके नेक्स्ट डे भी शॉपिंग में लग गया, और टाइम कम था। फिर भी जितना हो सका है, श्रद्धा भाव से हमने पूजा की भगवान की। और यहाँ बेटी अपना लगी हुई है थोड़ा बहुत डेकोरेट करने में, उसे बहुत मजा आता है ये सब, लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं, उसका एग्जाम चल रहा था। बट हम लोगों की खुशी के लिए वो बस दीपावली के दिन के लिए आई थी, एक दिन के लिए, क्योंकि एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है और टाइम भी नहीं था। हाँ, नेक्स्ट डे ही बहुत कुछ होता है, उन लोगों का प्रोजेक्ट जमा करना, असाइनमेंट का क्या क्या, तो उस सब में उन लोगों को टाइम है नहीं, तो क्या फेस्टिवल उन लोगों की। बस हम लोग की खुशी के लिए बेचारी आ गई थी एक दिन के लिए, क्योंकि वो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लड़का दूर में है, तो वो नहीं आया था। और एक मेरी लड़की का फ्रेंड है, जो कि मेरा फैमिली मेंबर जैसा ही है, तो उस बच्चे को भी घर, उसका भी घर दूर है, तो वो नहीं गया था, तो मैं उसे बुला ली थी अपने पास से, तो वो भी आया था, तो थोड़ा रौनक सा बन गया उसके आने से। और यहाँ बेटी अपना खेल रही है दियावा के साथ, ये लेके आई थी, तो अपना वही अपना खेल, जब रहती थी ना तब तो वो बहुत कुछ लाती थी, बहुत कुछ डेकोरेट करने के लिए, बहुत फटाके, मतलब उसको बहुत मजा आता है इन सब चीज़ों। मेरा लड़का को इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरी बेटी को इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी घर की रौनक बेटी बहू ही होती है, और उनसे ही घर में लक्ष्मी का लगता है ना, अगर बेटी बहू अच्छी हो और उसे आप प्यार दो, तो घर में रौनक ही रौनक रहता है। जितना बेटी बहू खुश रहेगी ना, उतना अच्छा होता है घर में। तो मेरा भी यही मानना, तो मैं अपनी बेटी को, चाहे मुझे और 10 काम पीछे कर देना पड़े, लेकिन उसके लिए मैं कभी भी ना नहीं सोचती हूँ। और ये फटाका लेके आई थी वो, तो हम लोगों को बोल दी कि आप लोग इसे जलाओ, तो मैं हम लोग जलाने आया उसके कहने से। तो उसके आने से तो चार चांद लग गया है घर में, और मेरी लाइफ में भी, जब से वो आई है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये मेरी चूड़ी दिखा रही हूँ ना, ये चूड़ी दिखाने का ये मतलब है ना कि ये लाख की चूड़ी है, लाख की चूड़ी। तो हमारे यहाँ बिहार में ना, शादी ब्याह कुछ भी शुभ काम होता है, तो हम लोग लाख की चूड़ी पहनते हैं। जब शादी होती है तो हम लोग फर्स्ट टाइम यही चूड़ी, लाख की चूड़ी पहन के शादी करते हैं, और पूरे एक साल तक हमें लाख की चूड़ी पहनना होता है, कांच की चूड़ी हम नहीं पहनते हैं। तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं इसको, कि हमारे बिहार की बहुत फेमस लाख की चूड़ी है, ठीक है। और आज पूजा था तो मैं इसे पहनी थी, ये मेरी सासू माँ मुझे भेज दी थी। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा पिक वगैरह क्लिक करवाए, और मैं अपने मकान को देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी गुड़िया रानी है, देख सकते हैं आप लोग, ये भी अपना इंजॉय कर रही है। और जानते हैं, बेटी से घर में बहुत खुशियाँ सा फील होता है, मुझे बहुत फील होता है, मैं उसके बिना बिल्कुल खुद को अधूरी मानती हूँ, कुछ नहीं लगता मुझे उसके बिना। तो वैसे मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और ये देखिए खेल रही है, खेल क्या रही है अपना, कुछ कुछ अभी इस बार तो कुछ नहीं की है, इस बार तो कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था उसके पास। रंगोली बनाते बनाते इतना थक गई वो, मैं बोली थी छोटा सा बनाना कोई, यहाँ ये तो थोड़े ना है, लेकिन वो इतना बड़ा ये कर ली, जितना छोटा ही की उतना ही वो बड़ा बना ली, और इतना थक गई कि फिर सो गई थी वो। यहाँ उसने फिर अपना, हम दोनों का पिक वगैरह क्लिक किया,
और पूजा हो रहा, मतलब ख़त्म हो गया। तो मैं इस बच्चे को बोली थी कि बाबू आप ये कर लो, दिया जला लो, दीपक दिखा दो भगवान को। तो हम तीनों चारों मिलके खूब इंजॉय किए और इस बच्चे के आने से और ज़्यादा रौनक बढ़ गया था, क्योंकि इसने भी बहुत मज़ा किया हम लोग एक साथ। ये भी घर से दूर है, तो मैं ही बोलती थी कि आना बेटा मेरे पास ही रहना, तो आ गया था। तो इसके आने से भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें, ये आया मेरे घर तो। और हम लोग खूब इंजॉय किए। और बेटी को नेक्स्ट डे जाना था कॉलेज, तो थोड़ा वो भी मतलब उदासी हो गई, मैं भी हो गई, क्योंकि कम से कम दो दिन भी रहती, एक दिन मतलब तो ये नहीं रही, ये लोग भी नेक्स्ट डे ही चले गए। और हम लोग एक दो दिन के बाद आए थे, दो तीन दिन के बाद आए थे हम। तो आप लोग मेरा वीडियो इंजॉय कीजिए और प्यार और सपोर्ट अपना दीजिए, ठीक है। और हमसे हमेशा बने रहिए, ये मेरा बेटा है। और इसे भी लास्ट में डाली हूँ क्योंकि लास्ट में पिक भेजा था। थैंक यू।